सत्याकाल नमस्कार अपना पंजाब एनआरआई टीवी चैनल देख रहे दर्शकों का मैं सोनिया स्वागत करती हूं। आओ नजर मारते हैं आज दी मुख्य खबरों पे। चमोली च ग्लेशियर टूटने की घटना से अमरीका सने कई देशों ने प्रगटाया दुख। अमरीका च तकरीबन 39 मिलियन लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन सीडीसी। भारतीय पेशेवर की बड़ी खुशखबरी अमरीका के H-1B वीजा की रजिस्ट्रेशन 9 मार्च को शुरू। न्यूयॉर्क असेंबली ने पास किया कश्मीर प्रस्ताव भारत ने दी तिखी प्रतिक्रिया। भारतीय मूल के दलीप सिंह होंगे अमरीका के डिप्टी NSA। अमरीकी संसद भवन से हुए हमले को लेकर MPs ने अपने तजर्बों किया साझा। राज्यसभा प्रधानमंत्री का प्रताप बाजवा के बयान कहा 84 की गल करनी किवें भुल गई। राज्यसभा विच बोले प्रधानमंत्री मोदी MSP सी MSP है अते MSP रहेगा। चमोली च बन टुटन नाल 100 तो वध लोगों के लापता होने का खदशा। उत्तराखंड त्रासदी से बोले राकेश टिकैत प्रशासन नाल मिल हर संभव मदद करांगे। ऋषिकेश विखे सुरंग च रस्सी के सहारे पहुंच के ITBP के जवानों ने सुरक्षित कढ़े 12 मजदूर। PM मोदी राजनाथ से गडकरी को करनी चाहिए है किसानों नाल गलबात पवार। ब्रेटा के दस्तावेज शेयर करने से बोले विदेश मंत्री टूलकिट ने किए कई खुलासे। उत्तराखंड च कुदरत ने फिर मचाई तबाही लोगों को याद आया 2013 का भयानक मंजर। पंजाब ने ठोस रहन खूहन को वख करन का 100% टीचा किया हासिल। नवदीप कौर ते दिल्ली पुलिस के तशद खिलाफ अज मुंसरिए उतरणगे सड़कों ते। लाल किले ते हिंसा मामले च दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ च बड़ी कार्रवाई एक नूं दबोचिया। बठिंडा टोल प्लाजा से लगे धरने किसानों ने हमला लहू खान हुए किसान से पुलिस मुलाजम। जिन्हां थावां ते कांग्रेसी बिना मुकाबले दिते उन्होंने मुड़ चोणां करवाईआं जाण अकाली दल। ब्रिटिश अदाकारा जमीला जमीर नूं किसान अंदोलन का समर्थन करन ते मिल रही ने जानों मारन दीआं धमकीआं। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.apnapunjabmedia.com ਤੇ ਤੇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ।